हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जूसी चिकन ड्रमस्टिक विथ ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 4 चिकन लेग पीस लिया है मैंने, इसे कट करके रखा हुआ है। अब इसमें हाफ लेमन जूस लेंगे। वन टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, स्वादानुसार नमक। साथ में हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्च भी लिया है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है दही। दही जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा है। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप छन्नी में दही को आधे घंटे के लिए रख लीजिए, दही अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। साथ में हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसे क्रश कर लीजिए। हमने बेसन को फ्राई करके रखा था कुछ खड़े मसाले के साथ। अब हम इसके 2 से 3 चम्मच चिकन में डाल देंगे। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे आप हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करिए। 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून मगज, 2 टेबल स्पून काजू, 10 से 15 बादाम लिए हैं। इसे हमने गर्म पानी में भिंगा दिया था और इसे पीस के अलग रख लीजिए। पैन में तेल डालकर आप चिकन को ढक के पकाइए। अच्छी तरह से चिकन को आप पकाइए, इसे कुछ कुछ देर बाद पलटते रहिए। देखिए आपका चिकन कितना अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। इसे फ्राई करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। आप अच्छे से ढक के चिकन को फ्राई कर लीजिए। जूसी चिकन ड्रम स्टिक रेडी हो गया है। आप इसे, यह बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग फ्राई बना है, आप इसे खा के जरूर मुझे बताइए। चलिए शुरू करते हैं इसका ग्रेवी बनाना। इसकी ग्रेवी के लिए आपको कोई मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं। आपने जिसमें चिकन मैरिनेट किया था उसका मसाला बचा होगा, उसे आप तेल पे डाल दीजिए। जितना भी आपका मसाला बचा उसे पूरा तेल पे डाल दीजिए। काजू और बादाम का पिसा हुआ पेस्ट डाल दीजिए और पानी डाल दिए और स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से पकाइए, क्योंकि इसमें मसाले पके हुए नहीं है। ग्रेवी रेडी हो गया और आप इसे चिकन लेग पर डाल दीजिए। और अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।